इमाम देख रहे हैं हम सबको। अगर हम अपने घर को सही नहीं बनाएंगे तो हम इस्लामी चीजों को वारित कर, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया ये कहेगी, वो क्या सोचेंगे, शादी ऐसी हो, रिश्ता, दुनिया क्या करेगी, मगर दुनिया आपकी कब्र में आएगी, मगर दुनिया कयामत में खड़ी होकर आपको बचाएगी। दुनिया तो कुछ नहीं कर सकती, लोग कुछ नहीं करेंगे। मौला कायनात मनाजात अमीरुल मोमिनीन जो हम पढ़ते हैं उसमें मौला कायनात क्या कहते हैं कि उस दिन माँ बहन के बैन कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे, मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। तो बेहतर यह कि हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, वो अपने घर की बॉन्डिंग्स बेहतर करें। आए हजरत सैयदा के घर में जाकर देखें कि क्या इखलाक पाया जाता है, किस तरह बच्चों को पुकारती हैं। हदीसे किसा आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्या तरीका है बच्चों को पुकारने का। जब इमाम हसन अंदर आते हैं तो क्या कहती हैं, या कुर्रता ऐनी, ए मेरे आंखों की ठंडक, यानी बच्चे को इस तरह पुकार रही है, मेरे आंखों की ठंडक। हम अपने बच्चों को ऐसे गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। रिवायात के बच्चे को दिन में 12 दफा बोसा दो, प्यार करो, क्यों, ताकि वो तुम्हारे साथ कॉन्फिडेंस उसका हाई हो, डिसीजन मेकर बन सके, उसे शेल्टर हो कि हाँ मेरा बाप या मेरी माँ मेरे साथ है। सोने से पहले उसके साथ बैठे, उसको कोई सूरत कोई चीज, हम राइम्स तो हिफ्ज करवा देते हैं लेकिन दूसरी चीजें भी हिफ्ज कराएं बच्चे को, साथ बैठे उसको सुलाएं, थोड़ी देर उसके साथ बैठे बात करें, बच्चे की तरफ तवज्जो दें। अजान मतलब मैंने कहा ना, हमने बच्चों को छोड़ दिया है, ये नहीं कि हम चाहते नहीं, नहीं, हम ऑटोमेटिकली एक सिस्टम में ऐसे डिजाइंड हो गए हैं कि हम गाफिल हो गए हैं। बच्चा अभी गैजेट्स पाल रहे हैं बच्चों को, या मेट्स पाल रही हैं, गैजेट्स पाल रहे हैं, हम बच्चों के साथ उस तरह नहीं है। बच्चे का रोल मॉडल, हम मॉडल बच्चे को हजरत कासिम नहीं दे पाए, हमने बच्चों को हजरत अली अकबर रोल मॉडल नहीं दिया। हमारे बच्चों का रोल मॉडल बेन 10 है, स्पाइडरमैन है, आयरन मैन है, क्यों, क्योंकि वो हर वक्त उन्हीं के साथ जिंदा है, उसको बैग भी वैसी चाहिए, उसको कपड़े भी वैसे चाहिए। अब जब एक चीज हर वक्त, ये नहीं, आप ये मत समझिएगा कि कोई चीज इस्तेमाल करना बुरी बात है या जी ना, लेकिन उसको एक्चुअल पता होना चाहिए कि असल हीरो कौन है। ये असल नहीं है, खूब ये सब ऐसे ही करेक्टर है, ठीक है, खेले कूदे, असल करेक्टर हजरत कासिम है छोटे बच्चे के लिए, कि जो शब आशूरा कहता है मौत मेरे लिए जो है वो शहद से भी ज्यादा मीठी है। ये करेक्टर चाहिए हमें, ये किरदार कहाँ है जिंदगी में, सिर्फ मजलिस में मजलिस पढ़े जाए। ये किरदार इसलिए थे कि हम अपनी जिंदगियों में इन किरदार को लेकर, इन करेक्टर्स को लेकर आए अपनी जिंदगी में।